अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सी तोरी की रेसिपी। देसी तोरी है ये, जो कि आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो आप इस रेसिपी को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और टेस्ट इतना लाजवाब हुआ, एकदम यूनिक सा, एकदम बढ़िया सा, एकदम मलाईदार ये तोरी लगती है। तो ये आसान से तरीके से मैंने सिखाई है इस रेसिपी को, तो वो फुल वीडियो को वॉच करिएगा बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देसी तोरी होती है ये कांटेदार होती है, इस तरीके से इसकी चोंचे निकली होती है। तो हमें इसको बड़ा ध्यान से इसे पील करना होता है। तो जो कांटे वाले साइड है ना, उन साइडों को ही पील करेंगे और अच्छी तरह से पील करना है। मतलब थोड़ा सा मोटी मोटी परत निकालेंगे, क्योंकि इसके जो ये छिक्कल हैं ये पकते नहीं है, ये कच्चे रह जाते हैं। तो इन छिक्कलों को अच्छे से रिमूव कर लेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने ये तोरियों को इस तरीके से मैंने एकदम साफ क्लीन रिमूव कर ली है। और इसी तरीके से मैंने ये सारी तोरियां ही छिकल उतार ली है। अब इन्हें अच्छे से धो लूंगी पहले, उसके बाद ही इन्हें काटूंगी। धोने से क्या होता है, ये पानी कम छोड़ेगी। अगर हम काट कर धोते हैं ना, तो पानी बहुत छोड़ती है ये तोरी। तो ये देखिए, इस तरीके से इस शेप में मैंने काटा है गोल गोल, और इतने ही पतले स्लाइस में रखे हैं। अब जिस पैन के अंदर हमें इसे बनाना है, उसी पैन के अंदर सारी तोरी हमने ट्रांसफर कर देनी है। तो मोटे तले का थोड़ा सा पैन ले, कोई सा भी कढ़ाई ले या कोई भगोना ले, उसमें इसे डाल देना है। तो हम इसे मैरिनेट करके बनाएंगे, बहुत मजेदार बनेगी इसी तरीके से। तो 3 टमाटर हैं जिनको 2 स्लाइस में काटा है, बीच में से चीरा लगा के उनको सेट कर दिया है, क्योंकि इनके छक्कल हमें रिमूव करना है छक्कल। अच्छा, 1 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ऐसे ही सिंपली, और कुछ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर पाउडर मसाले जाएंगे, जैसे 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर दूंगी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, इससे ही फ्लेवर बहुत एनहेंस हो के आता है। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर इसमें शामिल करें कलर के लिए, और बहुत बढ़िया सा फ्लेवरफुल बन जाती है। और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत धनिया को पीस लिया था फाइन, उसको शामिल करा है। अब 1 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल शामिल कर देंगे। तो तेल अपने हिसाब से डाल लें, कम या ज्यादा जैसे आपको पसंद है। तो इन सबको डालने के बाद मैं इसे कवर करके अब गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी, और लो फ्लेम पे इसे मैंने 10 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख दिया। अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये टमाटर हैं जो इनके छिक्कल मैंने रिमूव करने, तो ध्यान से करें, गरम गरम है। तो मैंने चिमटे की मदद से करा है, शुरू में हाथ जल रहे थे, तो चिमटे की मदद से ही सारे ही जितने हैं छिक्कल इसके आसानी से रिमूव हो जाते हैं। छिक्कल क्या है, गलते नहीं है और फिर वो ऊपर से दिखते हैं। अब इन टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे हम इस चम्मच की मदद से, अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखिए, एकदम घुल मिल जाएगी। अब इसको मैं कवर करके फिर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तो बहुत जल्दी से ही तैयार हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता और इतनी मजेदार लगती है। आप अपना दूसरा काम भी मतलब खाना बनाते बनाते दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। तो 6 से 7 हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। अब इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगे, तो जो टमाटर रहेगा उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे ऑफ कर दें, और अगर गाढ़ी करना चाहे तो इसे पानी को सुखा सकते हैं। तो ये देखिए, मजेदार सी हमारी तोरी तैयार हो चुकी है। कितनी मजेदार, कितनी टेस्टी लग रही है, दिखने में इतनी टेस्टी है और खाने में भी बहुत लाजवाब बनी थी। और इसको आप पूरी पराठों के साथ, जिसके साथ भी चाहे सर्व करना चाहे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार बनी थी, चटपटी सी, और देखा ना टाइम बिल्कुल नहीं लगा, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, झटपट से तैयार हो जाती है। सोन सान के रख दो एकदम, और आप चाहे तो अपना टाइम भी बचा सकते हैं इस रेसिपी में। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।